खास सरोकार। अज्ञात बोलेरों ने मारी बाइक सवार को टक्कर, वाहन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, 14 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस जुटी मामले की जांच में। संदिग्ध परिस्थिति में हुई युवती की मौत, पुलिस जुटी मामले की जांच में। अपराधियों के हौसले बुलंद, पैसों से भरा बैग व मोटरसाइकिल लेकर हुए फरार। मुख्यमंत्री के सामने ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा, बैनर और पोस्टर के साथ घेरा काफिला। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर बेतिया से है, जहां बड़े भाई की शादी से वापस आ रहा छोटा भाई बाइक से अज्ञात बोलेरो की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दूसरे घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी में बलोरो में जाकर टकरा का बलोरो वाला भाग गया। उसके बाद हम लोग सुने तो वहाँ पहुँचे तो तब तक पाया था, पुलिस पहुँची अपना लाश ले आई। क्या नाम हुआ उसका? रुपेश राम। आपका क्या नाम हुआ? खबर बेतिया से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर और सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें, शुक्रवार देर रात्रि अपराधियों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से आरोपी फरार हो गए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें, इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर मोतिहारी से है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, पड़ोसी के घर टीवी देख रही 14 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ मंचल युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस को इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पीड़ित को इलाज और मेडिकल जाँच के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया और मामले की जाँच में जुट गई। कुछ ना कालू सुनवाई, परसों ना कैलक सुनवाई, काल ना कैलक सुनवाई, आ कुछ लो नहीं के करो। थाना में गए हो? हाँ, थाना में गए रहने। थाना में प्रभारी का कॉल? प्रभारी कॉलन ये कागज लिख ले लन, कथिन बोले ला तन आवेदन। हाँ हाँ, लिख ले लन कॉलन जे जा मोतिहारी बोलू मोला संगठन एथी से प्रहरी से माने जाके कर चेक करावे के। मतलब एक मतलब जैसे गूंगी बच्ची है, नाबालिग, करीब 17.5 साल की, उसके साथ कुछ दो या तीन ऐसे करके बताया जा रहा है कि दो तीन है जो उसके साथ गलत किए। उसको लड़की को चोट भी था। इस संबंध में जब सूचना मिली तो उसकी माता से पूछताछ की, बरात बताई कि घटना 1 तारीख की रात में, और हमने पूछा कि भाई थाना में सूचना विलम्ब से देने का कारण क्या है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड मामले में घायल जितेंद्र सोनी उर्फ जिम्मी की साली की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बता दें, मृतक के गले पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। खबर मधुबनी से है, जहां जिले भर में खाद व बीज की किल्लत से किसान परेशान है और कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जिले में खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है, जिससे खेती चौपट होती जा रही है और किसानों की माली हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। महतो जी के यहाँ
लगभग 2-3 बजे रात में 6-7 लोगों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। संयोग से मैं भी उस दिन ऑन रोड था। घटना की सूचना के तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ पहुँचे। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार भी, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग दल बदल के साथ वहाँ पहुँचे। इंक्वायरी की गई। गृह समाजों के द्वारा लगभग जो भी बताया गया, जो भी लूट की गई थी, जो भी हथियार के द्वारा उनको बांध करके लूटा गया था, डकैती की गई थी, 3 लोग थे ये, इनकी वाइफ और एक छोटे बच्चे। खबर मधुबनी से है, जहां जयनगर थाना क्षेत्र के पचहर पुरनदहा गांव के बीच रात हथियार से लैस नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर सीएससी संचालक से रुपए भरा बैग व मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में पूछे जाने पर एसडीपीओ पिपलव कुमार ने बताया कि अभी तक घटना की सूचना नहीं मिली है, पर पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गाड़ी था, उसमें 4 लाख रुपया था, और इसके बाद मोटरसाइकिल अपाचे और दुकान का चाबी और मोबाइल। कितने? 3 लोग। और क्या चीज़ था वो लोग? बाइक पे प्लेटिना गाड़ी था। किसके बल पर छीना पैसा आपसे? पिस्टल था उसके बल पर जी। क्या करते हैं आप? हम आधार सेंटर चला। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मधुबनी से है, जहां शराब तस्करों ने नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने का नया तरीका अपनाया है, जिसको देख पुलिस ने शराब बंदी कानून को सख्ती से लागू करने में पूरी ताकत झोंक दी। बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब से लदे 11 मोटरसाइकिलों को जब्त किया और शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से एक बड़ा खेप जो है शराब का जो है उस मोटरसाइकिल पे पार करने वाला है। इसके लिए जो है हमने तुरंत फोर्स की तैनाती करते हुए सिविल में जो है लगा दिया, और उसके बाद जो है कार्रवाई करके जो है अभी लगभग 12 मोटरसाइकिल के साथ जो शराब बरामद हुई है उसको कार्रवाई किया गया। और बिहार में मद निषेध कानून के तहत जो है कार्रवाई लगातार जारी की जा रही है बॉर्डर इलाकों में। तो और जो है बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जमकर हंगामा हुआ। सीएम एकनगर सराय पहुंचे थे, वहां से उनका काफिला गुजरने लगा तो ग्रामीणों ने बैनर और पोस्टर के साथ उनको घेर लिया। बता दें, ग्रामीण किसी कथित प्रेम प्रसंग मामले में हुई हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री राम भवन गाँव में समाज सेवी स्वर्गीय राम बाबू की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। बता दें, इससे पहले कुढ़नी में नशिक्षक अभ्यर्थियों ने भी उनकी सभा में काफी बवाल किया था। दलित समाज से है, 1.5 महीना हो गया है लड़का को मार के, हरजन का युवक था, दलित युवक को मार के फांसी टांग दिया है इमली के पेड़ पर। थाना प्रभारी 1 महीना से जांच नहीं कर पा रहा है, हम लोग जाते जाते थक गए हैं। अब हम लोग को उम्मीद था कि आज
द्वारा जांच किया जाए और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। खबर नालंदा से है जहां किनिमगंज क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। वहीं मामले को लेकर परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें पुलिस इस मामले को लेकर लगातार जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले का खुलासा हो सकेगा। कौन बुलाया था? फुल जानकारी नहीं है कौन बुलाया था। तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? तो हमें कुछ पता नहीं। क्या लग रहा है मामला, क्या बुझा रहा है? मामला उसको बुलवा करके उसको मारपीट में कि नहीं ठीक है। खबर नवादा से है जहां मुफसिल थाना क्षेत्र के गोरधोवा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में सनसनी मच गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर पटना से है जहां के दानापुर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में अब तक 10,000 बच्चों का चयन किया गया है और उनकी प्रोसेसिंग भी की जा रही है। बता दें इस बात की जानकारी बिहार एवं झारखंड के मुख्यालय भर्ती जोन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर मुकेश ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अब तक की बहाली रैली में 2,00,000 बच्चों का चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पटना के जेडीयू कार्यालय में छात्र जेडीयू की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने कहा कि छात्र जदयू की पटना विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत हुई है और इस बार के छात्र संघ चुनाव में हमें छात्र और छात्राओं का पूरा सहयोग मिला है। बता दें छात्र जेडीयू ऐसी पहली पार्टी है जिसने सेंट्रल पैनल के 5 में से 4 सीट जीते हैं। वहीं इसके बाद हमने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री के समक्ष कई प्रस्ताव को रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के लिए 161 करोड़ रुपए दिए और हॉस्टलों के रिपेयरिंग और नए हॉस्टल बनाने के लिए भी फंड दिए। जो हमने वादा नहीं किया, जो हमने कैंपेनिंग के दौरान देखा वहाँ पटना विश्वविद्यालय में, जैसे हॉस्टल के मुद्दा हो तो हॉस्टल रिनोवेशन के लिए हमने 7.691 लाख समथिंग जो फंड इशू हुआ है, तो ये हमने मांग किया क्योंकि स्थिति हम देख रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में 2016 से हम हैं यहाँ पे, तो स्थिति जो नहीं देखे वो भी इलेक्शन टाइम हमको दिखा जहाँ जहाँ हम गए। तो रिनोवेशन का मेरा मुद्दा था हॉस्टल के लिए, वो तो मिला ही, साथ साथ लड़की लोगों का इशू था कि भैया मगर मिला के आगे जैसे ही पढ़ते सिर्फ हम लोग के लिए एक हॉस्टल है GDS। पूरे बिहार में पटना विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ सेशन कभी लेट नहीं हुए, और अभी भी मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूँ कि अभी जो स्थितियाँ हैं पेंडेमिक के बाद स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। एक बैच सिर्फ हम पीछे हैं पटना विश्वविद्यालय में, और ये चूंकि कुलाधिपति महोदय को भी सोचना चाहिए कि बेहतरी शिक्षा के लिए उनकी भी जिम्मेवारी बनती है और उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है। आप बिहार पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की जो स्थिति बनी हुई है, कुलपति क्या कर रहे हैं, दिन भर ऑफिस तो जाते हैं, काम क्या करते हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं। अभी मगध यूनिवर्सिटी में हमारा छात्र जदयू आंदोलन कर रहा है, 18 का डिग्री 23 तक नहीं मिला। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।
सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पेज, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पटना से है जहां की दानापुर में बारात में आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक की पहचान शाहजहांपुर के रहने वाले युवक के रूप में हुई है। वहीं छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जेल भी जा चुका है, शाहपुर थाना से भी एक फिरौती हेतु अपहरण के मामले में जेल गया है और भी एक आध मामले में जेल गया है। यहाँ कहाँ आया था वो, कुछ इन्फॉर्मेशन थी? हाँ, बारात आया था, अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। गुरुद्वारा रोड के बगल वाले सड़क में बारात आया था, वो बारात राजा खबर रोहतास से है जहां जाम में फंसे एक एम्बुलेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एम्बुलेंस हूटर बजा रही है पर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा है। बता दें, जाम में करीब 1 घंटा तक एम्बुलेंस फंसी रही लेकिन मुख्य सड़क पर उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंजीत हमसे जुड़ेंगे। मंजीत, एक एम्बुलेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एम्बुलेंस हूटर बजा रही है लेकिन जाम के कारण उसे निकलने नहीं दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, एम्बुलेंस जो फंसी हुई है वो बताया जा रहा है कि देहरी के पाली रूट जो समीप रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ पे फंसी हुई है। करीब 7 से 8 बजे कल शाम की ये वीडियो बताई जा रही है और ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगातार ये वायरल हो रही है और लोग कमेंट में ऐसे भी लिख रहे हैं कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जो है कि गुजरात रैली में एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं लेकिन यहाँ रोहतास जिले में, बिहार के जो रोहतास जिला देहरी है वहाँ पे एक एम्बुलेंस घंटों जाम रहती है और न ही कोई पुलिस प्रशासन वहाँ पे आती है कि उस जाम को हटाया जाए। और जो ठीक पुलिस देहरी के हैं वो सिर्फ नाम ही में रह जाते हैं, ऐसे चीज में एम्बुलेंस को जो रास्ता दिलाने में कोई मदद नहीं करते हैं। और मैं ये बता दूं कि जाम में जब एम्बुलेंस फंसे हैं तो लोग भी मुख दर्शक बन के देखते रहे था, उनको चाहिए था कि एम्बुलेंस को रास्ता दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घंटों तक जाम में फंसा रहा एम्बुलेंस, नहीं उसका जाने की आगे रास्ता थी और नहीं पीछे। मंजीत, ये वायरल वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है तो इसमें किसकी लापरवाही सामने आई है? लापरवाही तो कहीं, सबसे पहले मैं बता दूं तो लापरवाही तो ये डेहरी थाना जो है कि ट्रैफिक जो देखते होंगे वो ट्रैफिक पुलिस पे सवाल उठती है कि कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था ट्रैफिक तो देखना ट्रैफिक पुलिस की काम होती है तो क्या ये मान लिया जाए, क्या ये लोग में ऐसे ही हो रहे है कि लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक नियमों ये सब सारे चीज के लिए पुलिस बनी हुई है रहती है तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि एम्बुलेंस को जो है कि रास्ता दे उसको ये करे लेकिन वहां पे कोई भी पुलिस कर्मी ट्रैफिक के नजर नहीं आए। तो सब मैं बता दूं कि सबसे पहली सवाल जो है कि पुलिस ट्रैफिक पर उठी है जो डेहरी से है। जी धन्यवाद मंजीत तमाम जानकारियों के लिए। खबर रोहतास से है जहां दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस के दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। दरअसल रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन में महाबोधि एक्सप्रेस खुली थी और यहां से सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही महाबोधि एक्सप्रेस की 2 यात्री बोगियां चलती ट्रेन से अचानक अलग हो गई जिससे यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया।
खबर सुपौल से है, जहां प्रतापगंज प्रखंड के सुरजापुर पंचायत में प्रखंड का पहला कचरा भवन का उद्घाटन पंचायत के मुखिया महानंद पासवान एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में फैले गंदगी को साफ सफाई करना हम सब की जिम्मेदारी है। बता दें, इस दौरान उन्होंने प्रखंड के सभी लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। पंचायत के सभी ग्रामवासियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि पंचायत के जनप्रतिनिधि का काम नहीं, हम सभी लोगों का काम है। उसमें वीडियो साहब बता चुके हैं कि प्रदूषण देश नहीं विश्व का समस्या है, और ये कचरा प्रबंधन उसी समस्याओं का एक अंग है। इसके माध्यम से उस समस्याओं का हल निकालने में भी सहयोग मिले। बिहार की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति